नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईबीएन 7 पर। मैं हूं आपके साथ किटी बहल। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज की बड़ी खबरें सुपर फास्ट स्पीड में। सुषमा स्वराज की तरफ से मदद पर मचे बवाल पर आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने चुप्पी तोड़ी है। ललित मोदी ने अपने वकील के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा धमाका करने की कोशिश की। ललित के वकील महमूद आब्दी ने कहा कि ललित मोदी को कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर के आईपीएल टीम में शेयर का खुलासा करने के बाद से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली यूपीए सरकार के तीन मंत्री सलमान खुर्शीद, शशि थरूर और पी चिदम्बरम उन्हें परेशान कर रहे थे। ललित मोदी के वकीलों ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज ए राजा और जमाई राजा वाले नैतिकता की बातें कर रहे हैं। ललित के वकील ने कांग्रेस की तरफ से उन्हें भगोड़ा कहे जाने पर भी एतराज जताया। उन्होंने कहा कि किसी कोर्ट ने ललित मोदी को दोषी करार नहीं दिया है। इस मामले में घिरी सुषमा स्वराज का बचाव करते हुए ललित के वकील ने कहा कि उन्होंने एक भारतीय की मदद कर अपना कर्तव्य निभाया है। ललित मोदी के वकील ने उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस की बात को भी गलत बताया। उनके मुताबिक जब से ललित लंदन गए हैं, वो ईडी और मुंबई पुलिस के संपर्क में हैं। ललित के वकील आब्दी ने कहा कि अप्रैल 2009 में ललित मोदी को दाऊद की तरफ से धमकी मिली थी। उनके मुताबिक तब बिना वजह बताए सरकार ने उनकी सुरक्षा हटा दी थी, जिसकी वजह से ललित को लंदन जाना पड़ा और वहां वो नियमों के तहत ही रह रहे हैं। ललित मोदी के मुद्दे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बर्खास्त करने की मांग की। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ब्लैक मनी के सिंबल ललित मोदी के पीछे खड़े हैं। उधर बीजेपी ने एक बार फिर सुषमा स्वराज का बचाव किया है। सुषमा की बर्खास्तगी की मांग को बेतुका बताते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर तिल का ताड़ बनाने का आरोप मढ़ा। ललित मोदी की मदद पर विवादों में फंसी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का जहां बीजेपी ने समर्थन किया है, वहीं बीजेपी नेता कीर्ति आजाद ने इस मामले में बयान देकर नया मोड़ दे दिया है। बीजेपी नेता कीर्ति आजाद ने ट्वीट किया कि बीजेपी में आस्तीन के सांप ने रची है सुषमा के खिलाफ साजिश। अंदाजा लगाइए वो कौन है, मैं सुषमा स्वराज के साथ हूँ। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कीर्ति आजाद का समर्थन करते हुए कहा कि कीर्ति आजाद ने जो भी कहा है वो सोच समझ कर ही कहा होगा। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। उधर संघ के पूर्व प्रवक्ता एमजी वैद्य ने सुषमा का बचाव करते हुए कहा है कि सुषमा ने सिर्फ मदद की है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ललित मोदी को ट्रैवल वीजा दिलाने के विवाद में फंसी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के घर के बाहर यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग करते हुए उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सुषमा स्वराज का पुतला भी फूंका। प्रदर्शन को देखते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती करते हुए सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस से कई बार झड़प भी हुई। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की मदद के मामले में सुषमा स्वराज का विपक्षी दलों ने घेराव किया है। आम आदमी पार्टी ने सुषमा से सफाई देने की मांग करते हुए कहा है कि पीएमओ को संज्ञान में लिए बिना ऐसा नहीं हो सकता। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी और संघ सुषमा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीपी महासचिव डीपी त्रिपाठी ने मामले की जांच की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय तकरीबन 1700 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा उल्लंघन के 16 मामलों में ललित मोदी और दूसरे लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक इन मामलों के अलावा हवाला से संबंधित मामलों में भी ललित मोदी की भूमिका की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि पूर्व आईपीएल प्रमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की भी जांच चल रही है, जो 2009 में बीसीसीआई की तरफ से टेलीकास्ट अधिकारों को लेकर पैसों की हेराफेरी से जुड़ा है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने आईबीएन 7 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि भारत के लिए जो आतंकी हैं, वो हमारे लिए मुजाहिदीन हैं। सर्टेनली देखें, आप दुनिया में जहां कहीं भी इंसर्जेंसी आप कहें या फ्रीडम स्ट्रगल कहें, कोई अपराइजिंग कहें, उसका हमेशा पूरी दुनिया में यही है कि एक उसको टेररिस्ट कहेगा, दूसरा कहेगा फ्रीडम फाइटर है। ये कोई नई बात नहीं है। यहां कश्मीर में जो लड़ रहे हैं आप उन्हें टेररिस्ट कह रहे हैं, हम तो उन्हें मुजाहिदीन कहेंगे। वो तो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने उन रिकग्नाइज किया हुआ है ये डिस्प्यूट, तो इसमें क्यों आप अगर नहीं कर रहे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं। परवेज मुशर्रफ ने पीएम मोदी पर हमला भी बोला। आईबीएन 7 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि मोदी अल्पसंख्यकों को दबाना चाहते हैं और यही वो पाकिस्तान के साथ भी करना चाहते हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर जिसकी क्रीडेंशियल्स क्लियर हैं, क्रीडेंशियल्स उनके वो आरएसएस के बहुत बचपने से मेंबर हैं, तो वो एक उनकी हिंदू डोमिनेशन में वो बिलीव करते हैं, मुसलमानों को डोमिनेट करने में बिलीव करते हैं, उस पॉलिसी को आगे ले जाकर वो पाकिस्तान को डोमिनेट करना चाहते हैं।
आईबीएन 7 से खास बातचीत में परवेज मुशर्रफ ने बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। साथ ही कहा है कि जिस तरीके से मोदी ने बांग्लादेश के साथ जाकर पुराने युद्ध को कुरेदा है, उससे उन्हें गुस्सा आया है। म्यांमार में भारत की कार्रवाई के बाद हुई बयानबाजी को लेकर मुशर्रफ ने कहा कि इस तरह के बयान का मकसद सीधे सीधे पाकिस्तान पर निशाना साधना है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि भारत ने पिछले 40-50 साल में कोई युद्ध नहीं लड़ा है, इसलिए देश में भारतीय सेना का महत्व कम हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ करने की कोशिश की कि उनके इस बयान को युद्ध को बढ़ावा देने के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि अफसरों की दो पीढ़ियां बिना कोई युद्ध देखे रिटायर हो गयी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आर्मी के प्रति सम्मान कम हो जाना चाहिए। उन्होंने आगे जोड़ा कि जो देश अपनी सेना का सम्मान नहीं कर सकता, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के सेना के महत्व पर दिए गए बयान को लेकर अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई। कांग्रेस ने पर्रिकर को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो बोलते पहले हैं, सोचते बाद में हैं। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि युद्ध किसी मसले का हल नहीं हो सकता। वहीं जेडीयू ने भी पर्रिकर पर कड़ी टिप्पणी की। उधर बीजेपी ने पर्रिकर के बयान का बचाव करते हुए कहा कि पर्रिकर का कतई ये मतलब नहीं रहा होगा कि हमें युद्ध में जाना चाहिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। आज राहुल सारडी से डबरा तक पदयात्रा करेंगे। इसके बाद दोपहर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे, फिर वो रायपुर के लिए निकल जाएंगे। दौरे के पहले दिन सोमवार को राहुल गांधी ने किसानों और आदिवासियों से मुलाकात की। राहुल ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बड़े बड़े कारोबारियों की तरक्की की बात करते हैं, मगर जमीन पर रहने वालों के बारे में कौन सोचेगा। फर्जी डिग्री विवाद में आरोपी दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इससे पहले दिल्ली पुलिस को साकेत कोर्ट की तरफ से और 4 दिन की रिमांड मिल गई। अब पुलिस तोमर को बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ले जाएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि यहाँ के जिस माइग्रेशन सर्टिफिकेट के आधार पर उन्हें मुंगेर की तिलक मांझी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, वो कहाँ से आया। पुलिस की शिकायत है कि तोमर जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के साथ चले आ रहे टकराव के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दिल्ली के गृह सचिव और एसीबी चीफ की नियुक्ति को लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच पैदा हुए ताजा विवाद की पृष्ठभूमि में हुई मुलाकात के बारे में केजरीवाल और सिसोदिया ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और वो मीडिया से बात किए बिना ही नॉर्थ ब्लॉक से चले गए। वहीं राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करके केवल इतनी जानकारी दी कि केजरीवाल और सिसोदिया आज उनसे मिले। दिल्ली के डायलॉग कमीशन के पूर्व सचिव आशीष जोशी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के सचिव राजेंद्र कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आशीष जोशी ने सचिव राजेंद्र कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आशीष जोशी ने राजेंद्र कुमार पर बेनामी कंपनी खड़ी करने का आरोप लगाया है। आरोपों के बाद एसीबी ने दिल्ली पुलिस से उस दौरान के रिकॉर्ड मांगे हैं जहां राजेंद्र कुमार एजुकेशन डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट के प्रमुख थे। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की पत्नी सोमवार को मीडिया से रूबरू हुई। लिपिका मित्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि मैं उम्मीद कर रही थी कि केजरीवाल अपनी कहानी बताने का एक मौका देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं लिपिका ने सोमनाथ भारती पर एक बार फिर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। सोमनाथ भारती ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महिला आयोग परिवार जोड़ने के लिए है या तोड़ने के लिए। सोमनाथ के मुताबिक जब मामला 26 जून को महिला आयोग में सुनवाई के लिए तय है, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्या थी। इस बीच सोमनाथ भारती की मां भी आज मीडिया के सामने आई और रोते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार हूं। लेकिन जब वो भी बरखा शुक्ला से मिलने उनके घर गई तो बरखा शुक्ला उनसे नहीं मिली। दिल्ली में बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार ने DERC को चिट्ठी लिखकर एतराज जताया है। चिट्ठी में कहा गया कि बिजली के दाम बढ़ाने से पहले DERC ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया और सरकार को जानकारी नहीं दी गई। सरकार ने DERC से बिजली कंपनियों की ऑडिट रिपोर्ट आने से पहले दाम बढ़ाने की समीक्षा करने को कहा है। इस बीच महंगी बिजली के मुद्दे पर बीजेपी आज केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ है। पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 64 पैसे बढ़ाए गए हैं, वहीं डीजल की कीमत 1.35 रुपए प्रति लीटर कम कर दी गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस बदलाव के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 66.93 रुपए का मिलेगा, वहीं दिल्ली में डीजल की कीमत घटकर 50.93 रुपए हो गई है। इससे पहले 15 मई को पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया गया था। युधिष्ठिर के किरदार से मशहूर हुए और बीजेपी नेता गजेंद्र चौहान की पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष पद पर तैनाती पर विरोध तेज होता जा रहा है।
हड़ताल पर बैठे संस्थान के छात्रों का कहना है कि सरकार ने कई बड़े नामों की अनदेखी कर चौहान को बिठाया है। उधर चौहान का कहना है कि उनकी क्षमता पर सवाल उठाना गलत है और वो हड़ताली छात्रों से बातचीत को तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला जिले के सोपोर में आतंकवादियों ने एक और शख्स को अपना निशाना बनाया है। आतंकियों ने सोमवार सुबह तकरीबन 8 बजे एजाज अहमद नाम के एक शख्स को गोली मारकर हत्या कर दी। एजाज पूर्व आतंकी था। पिछले 7 दिनों में आतंकियों ने चौथी बार इस तरह का हमला किया है। सोपोर में ऐसे हमलों के खिलाफ तमाम अलगाववादी संगठनों ने कल बंद बुलाया है। इधर मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सोपोर में हत्याओं की समयबद्ध जांच का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए कल यूनिफाइड हेडक्वार्टर की मीटिंग भी बुलाई है। मुंबई में आज एक बार फिर हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है। आज दोपहर 12 बजे के करीब समुद्र में 4.5 मीटर से ऊंची लहरें उठने का अलर्ट दिया गया है। इन जानलेवा लहरों के खतरे को देखते हुए समुद्र किनारे जाने पर पाबंदी लगाई गई है। बीएमसी ने लाइफगार्ड्स, दमकल विभाग के अधिकारियों, एनडीआरएफ की टीमें समुद्र किनारे तैनात की हैं। साथ ही मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। पर्यटकों को भी समुद्र से दूर रहने को कहा गया है और चौपाटी पर पुलिस की गश्त बढ़ाने को कहा गया है। मौसम विभाग ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान बारिश और जमीन खिसकने की आशंका जताते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने 19 जून के बाद बारिश के आसार के चलते कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर जमीन खिसकने की आशंका जताई है। आईटीबीपी और कुमायूं मंडल विकास निगम की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। इसी बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज नाथुला के रास्ते कैलाश मानसरोवर जाने वाले भक्तों के पहले जत्थे को दिल्ली से रवाना करेंगी। शिया वक्फ बोर्ड को लेकर चल रहे विवाद के बीच शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने लखनऊ में अपनी गिरफ्तारी दी। जव्वाद ने अखिलेश सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाने में धांधली की गई है। दरअसल कल्बे जव्वाद ने यूपी के कद्दावर मंत्री आजम खान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और पिछले कई दिनों से इमामबाड़े के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम को आतंकी अपना निशाना बना सकते हैं। सूत्रों की माने तो हिजबुल मुजाहिदीन को 2 आतंकियों को दिल्ली पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई है। यही नहीं, 2 आतंकियों को अमरनाथ यात्रा को भी निशाना बनाने को कहा गया है। सूत्रों का कहना है कि सीमा पार से 4 आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को भी बताया है। सूत्रों का ये भी कहना है कि 1 जून को लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकियों के साथ मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की बैठक हुई, जिसमें इस हमले की पूरी साजिश रची गई। इंसाफ के लिए धरने पर बैठे जगेंद्र के परिवार ने धमकी दी है कि जल्द से जल्द अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो खुदकुशी कर लेंगे। पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए पीएम मोदी से दखल की अपील की है। जगेंद्र के बेटे का कहना है कि आरोपी मंत्री राममूर्ति वर्मा की तरफ से मामले को रफा दफा करने के लिए लगातार रिश्वत की कोशिश की जा रही है। उधर यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह ने साफ कह दिया है कि बिना जांच किसी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र की हत्या और बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद में प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने समाजवादी पार्टी के नेता रेवती रमण सिंह के निजी आवास का घेराव किया। इसी बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हो गई। उधर समाजवादी पार्टी से निकाले गए देवेंद्र पाल सिंह ने कहा कि अगर आरोपी नेता पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे धरने पर बैठेंगे। रॉस टेलर और केन विलियम्स के शतकों की बदौलत न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 3 विकेट से हरा दिया। 5 मैचों की सीरीज में किवी टीम 2-1 की बढ़त से ले चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 277 रनों से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। चौथे दिन 391 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी विंडीज टीम ने 114 रन पर ही घुटने टेक दिए। 14 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता राफेल नडाल ने विक्टर ट्राइकी को हराकर मर्सिडीज कप पर कब्जा कर लिया है। विंबलडन 2010 के बाद ग्रास कोर्ट पर ये नडाल की पहली ट्रॉफी है। नडाल ने 1 घंटे 27 मिनट में ही मुकाबला 7-6, 6-3 से जीत लिया। भारत के रोहन बोपन्ना ने मर्सिडीज कप का पुरुष डबल्स खिताब जीत लिया। बोपन्ना और उनके जोड़ीदार फ्लोरिन मर्जिया को पहले सेट में झटका लगा, लेकिन उसके बाद दोनों ने जबरदस्त वापसी करते हुए जीत हासिल की। यूरो क्वालिफायर फुटबॉल मुकाबले में स्पेन ने बेलारूस को 1-0 से हरा दिया। स्पेन ने पूरे मैच में आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन बेलारूस की रक्षा पंक्ति ने भी उतनी ही खूबसूरती से बचाव किया। हाफ टाइम के ठीक पहले स्पेन के डेविड सिल्वा ने मुकाबले का एकमात्र गोल दागा। यूरो क्वालिफायर के ही दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने स्लोवेनिया को 3-2 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड का क्वालिफायर में 100% जीत का रिकॉर्ड बरकरार है। इंग्लैंड के जैक विल्शियर ने 2 गोल दागे, जबकि तीसरा गोल वेन रूनी ने किया।
चीन में हो रही मूसलाधार बारिश परेशानी का सबब बनती जा रही है। चीन के ग्वांगजी इलाके में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। इस बीच 30 मीटर से ज्यादा लंबा गिरने से वहां खड़ी कार टूट गई। इराक सरकार ने सामरा पर आईएस आतंकियों पर हुई हवाई हमले का वीडियो जारी किया है। अमरीकी सेना की मदद से किए गए इस हमले में कई आतंकियों के मारे जाने और उनके कई वाहन नष्ट किए जाने का दावा किया गया है। अमिताभ बच्चन अब एक कार्टून किरदार में बतौर हीरो के रूप में डेब्यू करने जा रहे हैं। फिल्म का नाम अस्त्र फोर्स होगा। अमिताभ ने इस कार्टून फिल्म के लिए डिज्नी से करार किया है। अर्जुन रामपाल और पत्नी मेहर के बीच तलाक की खबरें फिर तेज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक मेहर आजकल तलाक के लिए वकील से मुलाकात करने में जुटी है। जुरासिक पार्क सीरीज की चौथी फिल्म जुरासिक वर्ल्ड ने पहले ही हफ्ते में 500 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया है। भारत में फिल्म में 4 दिन में 33 करोड़ की कमाई की है। पिछले दिनों शाहरुख खान, काजोल और रोहित शेट्टी फिल्म दिलवाले की शूटिंग के लिए बुल्गारिया पहुंचे और अब अजय देवगन भी अपनी फिल्म शिवाय के लिए लोकेशन तय करने बुल्गारिया गए हैं। श्रीदेवी की तमिल फिल्म पुली इसी साल जुलाई में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म के एक शेड्यूल में देरी हो गई। अब फिल्म के रिलीज डेट को 2016 तक टाल दिया गया है। धूम सीरीज की चौथी फिल्म धूम 4 में ऋतिक रोशन को कास्ट किए जाने की खबरों को फिल्म के निर्देशक विजय कृष्णा ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कोई भी अभिनेता अपने किरदार को दोहराना नहीं चाहेगा।